हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे सर्वप्रथम वैकुंठ पाद निदिता प्रविष्णु विष्णुपाद सरस्वत श्री श्री श्रीपाद भक्ति श्री रूप उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुन रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतीर्ण होकर के सर्वत्र ये हरि संकीर्तन प्रचार करेंगे। कभी ये कहाँ कहाँ पर प्रमाण है, कल हम लोग श्रीमद् भागवत में कहाँ पर है, पुराण में कहाँ कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आएंगे और हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करेंगे। हम इन विषय पर श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो जगत में आए ही कहते कितने कारणों को लेकर के आए हैं, तो गुरुदेव कहते थे उन्होंने चार कारणों को लेकर के आए हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जो कुछ साधारण कारण हैं और कुछ उनको आने का विशेष कारण है। आज हम लोग जो साधारण कारण है उसी विषय पर हम लोग श्रवण करेंगे, ठीक है। इसलिए बोले जैसे चार युग है, सत्य त्रेतय द्वापर और कली, यदि चार युग है, यदि चार युग का चार महामंत्र है, हैं? इसलिए कौन सा युग में हमें कौन सा मंत्र को जप करनी चाहिए वो पहले से ही बता दिया। हमें कोई नए रूप में कोई नाम को हम नहीं करनी चाहिए, शास्त्र में जो बताया है उसी नाम को ही हमें अनुसरण करनी चाहिए। बोले जो सत्य युग में जो लोग होते थे वो लोग कौन सा नाम को जप करते थे, बोले नारायण परम भेला नारायण परम उपस्या नारायण परम गति नारायण परम मुक्ति। कहते ये महामंत्र को सत्य युग का लोग जप करके ये संसार से ये सब के सब पार होते थे। अभी आया तृतीय युग आया, बोले तृतीय युग में लोग कौन सा नाम जप करते थे, बोले राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्णा केशव कंसारे हरि वैकुंठ वामन। कहते ये तृतीय युग का लोग ये मंत्र को जप करके संसार से उद्धार होते थे। लेकिन अब फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग में कौन सा मंत्र है, बोले जो बोले हरे मुरारी मधु कैट भारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्ष। कहते ये द्वापर युग का लोग इसी मंत्र को जप करके भी संसार से पार होते थे। अभी आया कलयुग है, अभी कलयुग में कौन सा नाम को हमें जप करनी चाहिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 अभी हर युग का एक एक मंत्र है। अभी कलयुग का महामंत्र है हरे कृष्ण महाप्रभु, और फिर ठीक उसी समय में महाप्रभु इसी जगत में जो आते हैं, कहते हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते, वो आते ही
ब्रह्मा का एक दिन में एक बार महाप्रभु आते हैं। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? कहते 1000 चतुर्युग। कितना है? 1000 चतुर्युग। मतलब क्या है? कहते कलयुग का परमायु कितना है? कहते 432000 साल। कहते कलयुग का परमायु है। बोले द्वापर युग का परमायु कितना है? उसको 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 8000 64000 हो गया। कहते द्वापर युग का परमायु है। अभी तृतीया युग आया। बोले तृतीया युग का परमायु कितना? बोले कलयुग को 3 गुना कर दो, कितना होगा? कितना होगा कलयुग को 3 गुणा कर दो? हैं कितना चाहते हैं? 12 हो गया और जो 32 32 हो गया। अभी सत्ययुग आया। बोले सत्ययुग का परमायु कितना? बोले कलयुग को कलयुग को 4 गुणा कर दो, कलयुग को 4 गुणा कर दो। फिर ये सत्ययुग का परमायु, कहते ये 4 युग का पूरा परमायु को अगर इकट्ठे करेंगे तो हैं, कहते इकट्ठे करेंगे तो कहते 1 चतुर्युग हो गया। कहते ऐसे 71 हैं, कहते महाप्रभु कब आते हैं? कहते ऐसे ही जो युग को अगर 71 महायुग अगर मिला देंगे, कहते एक मन्वंतर होता है। अगर 14 मनु जब चले जाते हैं, 14 मनु चले जाने का बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और आ करके सर्वत्र हरि संकीर्तन प्रदान करते हैं, हरि कीर्तन को प्रचार करते हैं। इसलिए ये कलयुग, जिस कलयुग में हम लोग आए हैं, कहते कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि जू का नाम कली है, जू का नाम ही कली है। कली मतलब क्या है? सब जगना झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, देश देश में झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, आपस में झगड़ा, झगड़ा को छोड़कर कुछ नहीं भी कलयुग। इसलिए कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग इस कलयुग में आए हैं, कहते अभी का जो कलयुग है वो कलयुग साधारण कलयुग नहीं, ये कलयुग को बताया ये धन्य कलयुग, ये धन्य कलयुग है। बोले क्यों? बोले जिस कलयुग में स्वयं सच्चिदानंद गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आते हैं और आकर उन्होंने जो प्रेम के लिए ब्रह्मा भी, शंकर भी, नारद भी, लक्ष्मी भी जिस प्रेम के लिए तरसते है महाप्रभु, वो दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु सर्वत्र प्रचार और प्रसार, महाप्रभु सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए ये कलयुग कोई साधारण कलयुग नहीं। इसके एकादश स्कंध में बताया यहाँ तक भी देवता लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले देवता की बात छोड़ दो, सप्त तृतीया और द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में, चैतन्य महाप्रभु धारा में ये लोग भी ये हरिनाम करना चाहते हैं। क्यों? अगर महाप्रभु की धारा में कोई आए, हरिनाम संकीर्तन करे तो उसका विशेष विशेष महत्व है। हैं? कहते एक साथ उसको भगवान की, राधा कृष्ण की गोलोक वृंदावन में स्थान, और एक साथ उसकी श्वेत दीप श्री चैतन्य महाप्रभु को धाम में उनको स्थान मिलता है। एक साथ दोनों स्थान उसको स्थान मिलता है। जैसे कृष्ण लीला में रूप गोस्वामी, श्री महाप्रभु लीला में रूप गोस्वामी, वही कृष्ण लीला के रूप में थे। कहते श्री महाप्रभु लीला में लगभग में थे सनातन गोस्वामी, कृष्ण लीला में लगभग में थे स्वरूप दामोदर। कहती है महाप्रभु लीला में स्वरूप दामोदर, लेकिन कृष्ण लीला में एक कौन है? श्री ललिता सखी। राय रामानंद महाप्रभु की लीला में, लेकिन कृष्ण लीला में कौन है? विशाखा सखी। इसलिए कहते जब उनकी स्वरूप सिद्धि प्राप्ति होती है, वस्तु सिद्धि प्राप्ति में एक साथ दो धाम में जाकर के भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए हमारे श्री लोचन दादा ठाकुर कहते हैं के जावि के जावि रे भाई भाव सिंधु पार धाय न जाई जो भेदे
तो भैया कौन ऐसे व्यक्ति जो चाहते भव सिंधु को पार करना, भगवान की चरणों को प्राप्त करना है, कौन जाना चाहते हो? कहते अगर कोई जाना चाहते हो क्या करो, बोले धन्य कलयुगे चैतन्य अवतार। ये धनी कल धन्य कलयुग है जिसमें से चैतन्य महाप्रभु आए। कहते भैया अभी कहते गुरुदेव कौन है? बोले गुरुदेव जो नाव पर चलाने वाले। अरे हरि नाम रूपी नाव में बैठ जाओ। बोले भैया किसी पैसा की जरूरत? बोले किसी पैसा की जरूरत नहीं, कोई पार होने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगा। बोले बिना पैसा? बोले हाँ। बोले उसमें कौन कौन पार हो रहे हैं? बोले जितने लंगड़े लूढ़े हैं, लंगड़े लूढ़े जितने गूंगे सबके सब पार, सबके सब पार हो जाएंगे हैं, सबके सब पार हो जाएंगे। मतलब क्या है? अगर किसको भक्ति में कोई भी अधिकार नहीं हो, कुछ भी गुण भी कुछ नहीं हो, केवल भगवान का नाम कीर्तन कर दो, भगवान की अपना भजन कर लो, बस गौ सागर से पार हो जाओ। इसलिए धन्य कलयुग में बड़े बड़े देवता लोग भी जन्म ग्रहण करते हुए भगवान की महाप्रभु की धारा में आकर के ये भी भगवत भक्ति को करना चाहते हैं। इसलिए अब प्रश्न होता है ये कलयुग में ये जो महामंत्र है, बोले भैया वो कहाँ कहाँ पर बताया? कोई ग्रंथ में है क्या? कलयुग में महाप्रभु आ रहे हैं, कलयुग में ये महामंत्र, बोले भागवत होते हैं। बोले जब श्री गंगाचार्य कृष्ण का नाम करने कर रहे, कृष्ण का नाम करने करते करते उन्होंने बताए, बोले आसा नंबर नास्तय जस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ला रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्ण तम। गंगाचार्य कह रहे कृष्ण का नाम करने जो कर रहे हैं है? पहले दाऊ भैया का नाम करना हो गया, अभी कृष्ण का नाम करने कर रहे हैं। जब कृष्ण का नाम करने करने लग गए, अभी ध्यान लगाया, गंगाचार्य तो कोई साधारण नहीं है, त्रिकाल दृष्टा जिसे, वो त्रिकाल दृष्टा सब कुछ जानते हैं। जब ध्यान लगाया ना, उनका आंख ही नहीं खुल रही थी, उनको ध्यान ही नहीं खुल रही थी। इतने में नंदा बाबा ने हाथ पकड़कर हिलाया, वे बाबा बताओ तो छोटा लाला का नाम क्या होगा, आप तो ये बताओ। हाँ ये छोटा लाल, बड़ा बेटा का नाम तो बलराम रख लिया, शंकर संग रख लिया, बोले छोटा बेटा का नाम तो बताओ क्या होगा। जब कृष्ण का नाम करने करने के लिए गए, बोले हे नंद बाबा तुम्हारी की जो बेटा है ना, ये साधारण नहीं, बहुनी संति नामानी, इसकी इतने नाम है, इतने रूप है, इतने गुण है, वेद भी जिसकी वर्णना करते करते था नहीं पाएगा। स्वयं अनंत देव अनंत मुंह में अनंत भगवान की कथा प्रदान करे, तभी वो उसको भी समाप्त नहीं कर पाएगा है? इतने तुम्हारी बेटे की इतने महिमा है, तुम्हारी तुम्हारी जो बेटा है ना, ये मत समझो केवल ये द्वापर युग में आया, यही बेटा है, हर अवतार में आते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ना, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अर्थो नानम धर्मस्य तदात्मानस्य परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण ये बात को कृष्ण स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले तुम्हारे जो बेटा है, ये युग युग में तुम्हारे बेटा ये अवतीर्ण होता है, हैं? इसलिए कृष्ण बोले मैं ही युग युग में जब जब जरूरत पड़ता है, जब जब जगत में धर्म की हानि होने लगता, पृथ्वी साधु संत गो ब्राह्मण के ऊपर में जब जब अत्याचार होता है, मैं ही युग युग में आकर क्या करता हूँ, धर्म को मैं स्थापन करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। इसलिए कृष्ण इसलिए बोले तुम्हारी की जो बेटा है, ये मत समझो केवल ये द्वापर युग में आता आया है, ये युग युग में यही आया है, हाँ युग युग में ये आता है। इसलिए कहते सत्य युग में तुम्हारी बेटा सत्य युग में भी आया था, शुक्ल वर्ण धारण करते हुए, अरे भगवान ने हंसा बता लो। तृतीय युग में रक्त वर्ण धारण करके आया था, जब यज्ञ हो रहा था, वो यज्ञ से प्रभु प्रकट हुए थे। द्वापर युग
बस अब कह रहे थे कलयुग आएगा, कलयुग में वो किस रूप में आएंगे, बोले कलयुग में वो गौरव वर्ण धारण करके आएंगे हैं। इसलिए ये गर्गाचार्य की बात को कह रहे हैं, मतलब गौरव मतलब भगवान के जितने अवतार देखोगे सबके सब काले रंग है, सब सब काले हैं, लेकिन केवल एक श्री चैतन्य महाप्रभु देखोगे केवल ये गौरव वर्ण है, ये केवल गौरव वर्ण है, इसलिए इनका नाम गौरव हरि, गौरी मतलब राधा रानी और हरि कृष्णा, ये दोनों मिलकर के श्री गौरव हरि बन करके आए। इसलिए बोले सचिदानंद गौर हरि, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इसलिए कहते गौरव हरि बन करके आए, बोले इदानी अभी बोले कृष्ण काम दत्त वही भगवान की अभी कलयुग में ये कृष्ण वर्ण लेकर के आए, इसलिए इनका एक नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा इनका? नाम एक नाम होगा कृष्ण नाम होगा। कहते गंगाचार्य स्वयं पहले से ही द्वापर युग में भी उन्होंने बता दिए कलयुग में श्री महाप्रभु बनकर रूप में आएंगे। और गत कल में हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे विभिन्न पुराण में, कहते श्री ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में भी श्लोक है, कहते कले प्रथम संध्याया गौरांग अहम महीतले भागीरथी भूमि भविष्यामि सनातन। बोले कले प्रथम संध्याया, बोले कलयुग की प्रथम संध्या मतलब कलयुग की पहले पहले, कहते गौरांग अहम महीतले मैं श्री गौर हरि बन करके मैं आऊंगा। बोले कहां पर जन्म लेंगे? बोले भागीरथी भूमि, भागीरथी मतलब गंगा, गंगा किनारा में मैं जन्म ग्रहण करूंगा और जगत में क्या करूंगा, पर जगत में गौरांग महीतल करके समस्त जीवों को मैं जगत से उद्धार करूंगा। कहते वायु पुराण में, कहते वायु पुराण में ये मतलब वायु पुराण में क्या बताए, बोले शुद्ध गौर शुद्ध गांग गंगा तीरे समुद्भव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलियुगे। ये वहां पर भी बताए मेरे गौरांग महाप्रभु रूप में सुधीर गांग, मतलब जो महाप्रभु का 24 लक्षण है ये समस्त लक्षण मेरे अंदर में विद्यमान रहेगा और मैं इसी जगत में आकर के सबको हरिनाम प्रदान करूंगा। इसलिए महाप्रभु घर घर में जाकर के महाप्रभु स्वयं भिक्षा मांगते थे, महाप्रभु स्वयं भिक्षा मांगते थे, किस चीज की भिक्षा, भिक्षा है बोले बोला कृष्ण, बोलना तो कृष्ण ही, भज कृष्ण भजन करना तो कृष्ण की भजन करो, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अगर जीवन में कुछ शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हो क्या करो, कृष्ण का ही शिक्षा को ही ग्रहण करो। और महाप्रभु बोलते थे प्रभु बोले पहला यही महामंत्र यहाँ जब किया सब करिया निर्बंध, मैंने तुम लोगों को ये हरिनाम दिया है, तुम लोग ये सब के सब ये हरिनाम करो, इसे हरिनाम से तुम्हारी कल्याण होगा। इसलिए भगवान स्वयं दरवाजा दरवाजा में जाकर के उन्होंने उन्होंने भक्ति की हरिनाम की उन्होंने भिक्षा मांगे थी। कहते श्री उपपुराण में बोले अहमेव क्वचित ब्राह्मण सन्यासी श्रमाश्रमाश्रित हरि भक्ति ग्राह्यामि बलो पाप हतर। बोले अहम में वो कुछ ही ब्राह्मण, बोले भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन सा वर्ण में कौन सा जाति में जन्म ग्रहण किए थे, बोले ब्राह्मण। कहते ब्राह्मण घर में जन्म ग्रहण करते हैं, कहते ब्राह्मण घर में जन्म ग्रहण करते हुए सन्यासी सम्माश्रित, इसलिए मैं स्वयं भगवान होते हुए भी कहते मैं सन्यासी, मैं स्वयं सन्यासी ग्रहण करूंगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु 24 साल उम्र में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया है, उन्होंने सन्यासी नाम लेकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सन्यासी उन्होंने क्यों धारण किया, बोले जो सन्यासी है ये सर्वश्रेष्ठ आश्रम ये सन्यासी आश्रम है। और सन्यासी ग्रहण करते हुए तब उनका नाम क्या दिया गुरु जी, बोले श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य मतलब क्या है, चैतन्य मतलब चेतन था,
दुनिया को जो कृष्ण रूपी चेतन का मुझे गति जो प्रतिपादन करेगा, कृष्ण रूपी चेतन को प्रदान करेगा, इसलिए उनका नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। और कहते हैं क्या करेंगे, बोले कलो पाप हत हरा, कलयुग में जो पाप हत पाप युक्त व्यक्तियों में हरि नाम प्रदान करूंगा, कलयुग में आ करेंगे और सबके हरि की भक्ति प्रदान करूंगा। बोले कल कले प्रथम संध्यायाम गौरांग अहमहि कले भागीरथि तटरण्ये भविष्यामि सनातनम। यहाँ पर भी बताए मैं श्री नवद्वीप में श्री गंगा के लिए जन्म ग्रहण करके सर्वत्र हरि प्रचार करेंगे। आज जो थोड़ी बहुत जगत में हरि नाम का प्रचार हो रहा है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है, जो कि लोग कलयुग में क्या कर रहे हैं, हरि का नाम को ग्रहण कर रहे हैं। और वृंदावन में अक्सर करके इधर जितने जाओ देखते सब तिलक लगाए हैं। क्या लगाए थे, केवल यही का लोग नहीं, पूरा सारा दुनिया का लोग देखना वृंदावन में आते हैं। अगर कहीं तुम ज्यादा दिखेगा ना, यही तिलक दिखेगा, क्योंकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर का भविष्यवाणी है, ये कलयुग जब आएगा घोर कलयुग, उसी समय ये हरिनाम बहुत ज्यादा प्रचार है, बहुत ज्यादा प्रचार होगा। इसलिए वृंदावन में आप जिधर जाओ देखोगे कंठी तिलकधारी, तिलकधारी कंठी लगाए थे हैं। और अक्सर करके कौन सा तिलक है, हमारी गौड़ी तिलक है, ज्यादा ये गौड़ी तिलक देखोगे जहां भी किसी गली में जाओ। वृंदावन तिलक्रम गोस्वामी महावीर की आशीर्वाद तिथि जन्मतिथि है, वो हमारे गौड़ी मैदान समिति के एक मूल स्तंभ थे। ये कहते हैं जो नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, भक्तिवेदन बामन गोस्वामी महाराज, ये तीनों ये गौड़ी वैष्णव के तीन स्तंभ थे। जैसे ये घर खड़ा हुआ है ना, पिलर लगा हुआ है, कभी खड़ा हुआ कर, ये तीनों ने ये गौड़ी वेदांत समिति को संभाल कर बहुत दूर तक ले गए, बड़े प्रचार प्रसार किया है। और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बहुत उच्च वंश में और बहुत धनाढ्य परिवार में ये जन्म ग्रहण, लेकिन उन्हें शादी शादी भी किए हैं, लेकिन वो कहते थे जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता ना, अगर संतों को देखकर चिढ़ा दे क्या तिलक लगा दे, क्या बगुला काटी कर लिया, गले में क्या संतों ने कंठी पहन ली है, लकड़ी पहन ली, इसे क्या चोटी रख लिया। कहते मैं भी कभी कभी बच्चों के साथ में संतों को चिढ़ाया करता था, लोगों को चिढ़ाया करता था, लेकिन एक दिन ऐसे हुआ मैं स्वयं संत बन गया, मैं भी स्वयं कंठी वाला तिलक को मैं स्वयं धारण कर लिया। और उन्होंने शादी भी किए थे, शादी करते हुए भी उन्होंने बहुत कम उम्र में सब छोड़ करके भजन करने के लिए आए। आपको पता है भारत में एक बार जब शादी हो जाए कितना बंधन है, हैं बंधन है। उनकी पत्नी आई बोले अगर आप घर में वापस नहीं जाओगे ना, मैं शरीर में मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा करके आपको सामने आत्महत्या कर लूंगी। बोले कोई बात नहीं, तुम पेट्रोल मिट्टी का तेल डाल दो, मैं स्वयं मांस लगा दूंगा, कहते मैं लगा दूंगा। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे बोले, बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे कि सोच भी नहीं सकते हो, भक्ति जगत में इतने वो स्ट्रिक्ट थे। अक्सर करके ये जो कथा सुनाया करते थे शास्त्र में तीन विषय है, एक है संबंध, एक अभिधय और एक प्रेय। ये भगवान के साथ हमारे क्या संबंध है, कभी ये संबंध तत्वों के ऊपर में ठोस करके बोलते थे। जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम लोग भगवान के दास है, भगवान के बच्चों, तो तुम लोग का समझ तो तुम चले जाओ, हम तो निपटा दे जाए, ठीक है अपना भजन। इसलिए बढ़ेरी ये स्ट्रीक थे हैं, और कैसे उन्होंने कृष्ण को ही कभी कभी हमारे भक्ति वेदन नारायण गोस्वामी महाराज इनके अंदर में कभी कभी तर्क वितर्क मतलब कभी प्रेम कलह हो जाता था। हमारे भक्ति वेदन नारायण गोस्वामी महाराज और राधारानी के पक्ष लेते थे, और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कृष्ण को पक्ष लेते थे। वो बोलते थे कृष्ण कौन है, ब्रह्मा स्वयं कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्व कारण, कृष्ण से जगत में कोई बड़े नहीं, ब्रह्मा स्वयं कहते कृष्ण ईश्वर और समस्त कारण का जो कारण है कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण है।
उनसे जगत में कोई बड़े नहीं, इसलिए समस्त वेदों से श्लोकों को उठा कर बोलते थे। लेकिन हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, बोले सुन बरसानी बारी गुलाब तेरो बनवारी, सुन बरसानी बारी गुलाब तेरो बनवारी। इसलिए गुरुदेव ने कहा हो सकता है आपका कृष्णा समस्त कारण कारण हो, लेकिन गुलाब तो बनवारी। इसलिए श्री रसकांत क्या कहते हैं, बोले वेद में ढूंढो पूरा न गायन, मैंने वो कृष्ण परतत्व वेद में पुराण में ढूंढा कहीं नहीं मिले, लेकिन ढूंढते ढूंढते जब वृंदावन में गए और सेवा कुंज में गए तभी मैंने देखा, मतलब बैठ पैल का राज ना पाए। हमने उनको देखा राधा रानी के चरण की सेवा करते हुए, हमने उनको वहां पर दर्शन किया है, वहां पर हमने दर्शन किया है। इसलिए अब कृष्ण क्या करते हैं, बोला हमारे ईश्वर की चरण में चरण दबाते हैं और उनकी चरण में अपना सर को भी स्मर गर्व खंडनम मम शिरस मंडनम देहि पद पल्लव उदारम। कृष्ण स्वयं जिनकी चरण की चरण को प्रार्थना करते हैं, ऐसे उनका अंदर में जैसे नवद्वीप परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा एक स्थान समुद्र कड़े, अब तो जाते हो ना परिक्रमा, इसलिए दो दो पक्षे लेते थे। हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज समुद्र से का पक्षे लेते थे और भक्ति वेदांत दिव्यधर्म गोस्वामी महाराज भीमसेन का पक्ष है, तो देखने में भूमि जैसे हैं, वो बड़े लंबे चौड़े थे। दोनों को अंदर में जो शास्त्रार्थ होता था ना सुनने के लायक, जब दिव्यधर्म गोस्वामी महाराज कृष्ण को भीमसेन को सर्वश्रेष्ठ तत्व रूप में स्थापन करते थे, लोग सोचते जो बोल रहे सही बोल रहे, लेकिन हमारे महाराज जब खड़े होते सब कार करके सब एक करके बोलते नहीं नारायण गोस्वामी महाराज सही बोलते, फिर दिव्यधर्म गोस्वामी महाराज फिर खड़े होते थे, उनके अंदर में हरी कथा निकलता था। ऐसे करते करते लाज में ना सबके सब फिर लाज में कोई जीत हार नहीं हो पाता था, लाज में बोले सचिन नंदन गौर हरि की करते करते लाज में सब कुछ चले जाते। ऐसे वो बड़े वैज्ञानिक थे, हाँ वेद का एक एक मंत्र को लेकर वो ऐसे व्याख्या करते जो सोच भी नहीं सकते, क्या वेद मंत्र को व्याख्या करते थे, बड़े ऐसे थे और बड़े दीन दीन रूप में रहते थे। यहाँ यही तक कपड़ा पहना करते थे, कोई कपड़ा फट जाएगा तो अपने हाथ में सिलाई करते थे, सिलाई करते हुए बड़े बैराग रूप में रहते थे और ऐसे कोई काम नहीं जो काम को वो नहीं जानते, क्योंकि जूता सिलाई से लेकर के वेद पाठ तक ऐसे कोई काम नहीं, ठाकुर की सेवा पूजा हरिकथा अर्चन कपड़ा सिलाई करना, स्वयं साइकिल में जा करके भिक्षा करने के लिए साइकिल में जाना, रोसी बनाना बहुत बढ़िया रोसी बनाते, मतलब ए टू जेड हर चीज में वो दम पूर्ण थे, हर चीज में ये पूर्ण थे। और अक्सर करके जो कथा सुनाया करते थे महाराज जी, हाँ चार पांच श्लोक तो इनका बहुत, उनकी चार पांच श्लोक इनकी बहुत बहुत इनकी फेवरेट था। एक श्लोक है बोलते थे लब्धा सुदुर्लभ बहुत समानते, बोले मानव शरीर है ये 84 लाख जन्मों के बाद में मानव शरीर हमें मिला, ठाकुर जी मानव शरीर बारंबार नहीं देते हैं, वो कहते थे एक जीवन ये विषय भोग स्टक कर, क्योंकि हर जीवन में हम यही करते करते आए, किसी जीवन में जानवर जन्म किसी जीवन में गए खाए पिए दो चार बच्चे हुए उसके बाद में पालन करते हुए मर गए, इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा जीवन में हमने कुछ भी नहीं किया है, कम से कम इसी जीवन में गंगा में भजन में ले जाओ, वो कहते हैं इसी जीवन का इसे बर्बाद मत करो, एक जीवन इसको स्टॉप कर दो एक जीवन में, क्योंकि संसार का जो विषय भोग है तुम्हारे लिए रिजर्व है, हर जीवन में यही किया तुमने, इससे सिवाय तुमने कुछ भी नहीं किए, इसलिए इसी जीवन का क्या करो, हरि नाम करो, भगवान की भजन करो, स्टॉप करो और समय भगवान ज्यादा से ज्यादा भगवान की चरण में दो। और बोलते थे जो संसार का जो सुख है जत मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छ कंदरव करौरव दुखा, ये जो विषय भोग है कि जैसे खुजली होता है ना, खुजला निकले तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब खून निकलता है कि ये संसार का विषय भोग ठीक वैसे ही है, संसार में जो लग रहा है बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर है जैसे सोने की कलसी है, हाथ लगाओ जहरी जहरी है, इसलिए संसार दावा मिला नहीं, ढंग को संसार में आग लगी,
इसलिए वो समझाया करते थे भजन करो, भगवान की भक्ति करो, इसलिए ये जीवन दुर्लभ जीवन मिला है, ये जीवन पाकर भगवान की भक्ति भजन करनी चाहिए, इसलिए बहुत बहुत अच्छे अच्छी कथा। आज होगा तो शाम को जब हम नगर में निकल के आ जाएंगे ना, अगर टाइम पर जल्दी अगर आ गए तो फिर हम लोग बैठ करके यहीं पर क्योंकि और सुंदर सुंदर कथा है, यहाँ पर बैठ कर उनकी कथा हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्नपति विद्यापति प्रभु गोस्वामी महाराज की, बस गुरुपाल की, सचिनंदन गौर हरि की, पिताजी गौर परमानंद हरि, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ।